लास्ट टेंथ का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बुक लेकर बैठे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर से सवाल हल करा रहा हूं। बैलेंस सिलेंडर की हाइट 10 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? एक सिलेंडर वुडन का एक सिलेंडर से लकड़ी है, उसमें से मैंने इसको कट करा है। इधर एक हेमिस्फीयर और एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर, दो कट किए हैं, तो मुझे इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल चाहिए। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा सी ए से ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक यूज हो रहा है सिलेंडर और दो मेरे को इसमें हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी मीडियम में लिख दिया बेलन का CSA, 2 × अर्धगोले का CSA। बेलन का CSA का फार्मूला होता है 2πRh, 2 × 2πr² होगा इसका फार, दोनों की रेडियस सेम है। अब मेरे मुझे यहाँ से कॉमन दिख रहा है 2πr इधर भी, 2πr इधर भी, तो मैं 2πr कॉमन लूंगा बच्चों। इधर से ले जाए, ब्रैकेट में आएगा ये वाला एच बेटे, और ये दो और दो दो तो रह गई, ये एक रेडियस बाहर हो गई, दो रेडियस थी, एक मैंने कॉमन में बाहर कर लिया तो एक रेडियस बची। बस अब मेरे को 2π का मान 22/7, r का मान 3.5, यहाँ h का मान 10 है, 2 × 3.5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 × 22/7 35/10 लिख देता हूँ। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बच्चों पॉइंट को हटाना है, तो नीचे 10 लिख दूंगा, और यहाँ देखता हूँ 10 और 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। एक और स्टेप, 22/7 35/10, यहाँ मेरा 17 आ जाएगा। अब क्या करना मुझे, 7 × 7 7 × 5 7 × 7 7 × 5 = 35 5 × 5 5 × 2 = 10 2 से 2 को कैंसल 22 × 17 बचा, 17 × 2 मेरा 34 होता, 34 × 4 हासिल आई 3, 17 × 2 = 34 और 3 मेरा जाएगा 37, तो ये मेरा आंसर आ गया। चूंकि ये एरिया है इसलिए यहाँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।